मूविंग फर्दर, सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में एक बार थोड़ा सा इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे व्हाट हैव वी लर्न इन क्लास 6 में भी हमने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा था। तो वी हैव लर्न अबाउट कि देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। डू यू रिमेम्बर कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। डू यू रिमेम्बर, पढ़े थे ना ये ना? और ये सब हमने किस में पढ़े थे, जब हम एक अपने ह्यूमंस की बात कर रहे थे, एनिमल्स की व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना? सो ये जो है, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। सो ये सारे नाम जो हमने पढ़े, ऑल दीज नेम्स कम इन द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो इफ आई आस्क यू नेम सम न्यूट्रिएंट्स, कैन यू नेम सम? यस, यू कैन से फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, यू कैन से नेम ऑफ एनी ऑफ दीज, है या नहीं है? सो दीज आर द, अगर हम कहें इन सिंपल लैंग्वेज, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, या अगर हम आप साइंटिफिक लैंग्वेज में वी वॉन्ट टू स्पीक आउट, देन वी विल से क्या? न्यूट्रिएंट्स डेट आर प्रेजेंट इन अवर फूड। एंड व्हाई डू वी टेक दीज न्यूट्रिएंट्स? बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग बॉडी। नाउ व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स? मैंने हल्का सा बताया था आपको, लेकिन इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में वी आर गोइंग टू लुक फॉर। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, दे एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, वो ग्रो करते हैं, मीन्स बढ़ते हैं। तो इधर यू टेक ह्यूमंस और यू टेक प्लांट्स, सब में ग्रोथ होती है। ह्यूमंस में एक छोटा बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा बिकम्स एडल्ट इन सम टाइम एज द ईयर पास। अभी आप बच्चे हैं, आज से 10 years, 15 years, 20 years के बाद यू विल बिकम अ बिग मैन, अ बिग लेडी, है या नहीं है? आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, व्हाट डू यू थिंक, वो इसी एज से शुरू से हैं? नहीं, वो भी कभी आपके बराबर छोटे थे, बट एज द टाइम पासिस दे ग्रो। ऐसे ही हम देखते हैं क्या होता है, हम छोटा सा एक सीड सो करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम क्या देखते हैं, उसमें छोटी सी रूट्स डेवलप हो गई हैं, एंड छोटा सा स्टेम, एंड देन ये फर्दर ग्रो हुआ, एंड देन इट बिकम्स अ प्लांट। तो आप क्या सोचते हैं, ये जो हम प्लांट्स देखते हैं, इनका कभी ये इतने छोटे नहीं थे? नहीं, एज द टाइम पासिस दे ग्रो। हाँ, सो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, टू बिल्ड देयर बॉडीज। और यही ग्रो मीन्स टू बिल्ड अप, कि हमारे क्या होता है, हमारे हाथ पर और ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाते हैं। आप छोटे बच्चों को देखें, दे आर सो सॉफ्ट, छोटे छोटे हाथ, हाँ, बट धीरे धीरे व्हेन दे टेक गुड फूड वी कैन सी दे आर बिल्ड अप। हाँ, इवन आप देखें, छोटा जो आपका कोई, अगर इफ द स्मॉल प्लांट इज ग्रोइंग, देन व्हाट विल यू सी, द स्टेम इज नॉट एबल टू स्टैंड स्ट्रेट। हम उसमें कुछ लकड़ी कुछ लगा के वी गिव द सपोर्ट, बट आफ्टर सम टाइम वी सी डेट प्लांट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। द अदर थिंग इज टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। टू रिपेयर मीन्स आपको कहीं चोट लग जाती है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, इट हील्स अप। हाँ, तो रिपेयर मीन्स हीलिंग। ऐसे ही आप क्या देखते हैं, अगर ये प्लांट में थोड़ा सा कट हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी वहां पे पूरा स्टेम फिर से बन जाता है। सो दिस रिपेयर वर्क या दिस हीलिंग वर्क इज डन बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट वी टेकन टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ। तो इट प्रोवाइड अस एनर्जी,
अगर इफ वी विल नॉट टेक न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मींस इफ वी विल नॉट टेक अ प्रॉपर फूड तो क्या होगा? कैन वी हैव एनर्जी टू डू एनी वर्क? आप दो दिन खाना नहीं खाए, कैन यू स्टैंड ऑन योर ओन? बीमार लोग होते हैं, दे स्टॉप ईटिंग. क्या होता है, हम क्या करते हैं, आप खाना खाइए, ताकत लाइए, एंड देन यू कैन वॉक ऑन योर ओन, कहते हैं या नहीं? तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडर्स विद एनर्जी. और ये एनर्जी क्यों करनी होती है? टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारे लाइफ के जो प्रोसेस है, मींस जो हमारा सिस्टम चल रहा है. वी हैव टू डू रेस्पिरेशन, वी हैव टू डू द डाइजेशन. देयर आर नंबर ऑफ अदर प्रोसेसेस दैट आर गोइंग इन अवर बॉडी. उनको भी करने में तो वो क्या पर्टिकुलर ऑर्गन्स आर देयर टू फंक्शन. दोस ऑर्गन्स मींस दोस ऑर्गन्स कैन फंक्शन प्रॉपरली ओनली व्हेन वी विल टेक अ प्रॉपर फूड. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है ना? ओके, सो फ्रॉम वेयर डू वी गेट न्यूट्रिएंट्स? सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है. यहां पे मैं आपको ये पिक्चर में दिखा रही हूं. तो इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? वी आर ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. वी आर ईटिंग ब्रेड, वी आर ईटिंग चपाती, वी आर ईटिंग फ्रूट्स, वी आर ईटिंग वेजिटेबल्स, वी आर टेकिंग नॉन वेज मीट, वी आर टेकिंग ऑयल्स. सो आप देख रहे हैं ये जो है. तो बिफोर आई मूव फर्दर इन दिस टॉपिक, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू. देखिए, ये दिस इज अ पिरामिड. मीन्स हमें जो ये कार्बोहाइड्रेट डाइट है, ये हमें ज्यादा लेनी चाहिए. देन हम थोड़ा फ्रूट्स, उससे थोड़ा सा कम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और जो हमारा मीट है, ये हमें एक रीजनेबल क्वांटिटी में वी शुड ईट. ये नहीं है पसंद है वी कीप ऑन ईटिंग, तभी फैटी लोग हो जाते हैं और ऑयल का क्वांटिटी और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है. सो दैट्स व्हाई ये जो कभी भी आपको कोई ट्रायंगल में कुछ दिखा रहे हैं, दिस मीन्स कि स्लोली स्लोली दीज थिंग्स शुड गेट रिड्यूस. कि जिस अमाउंट में वी आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट डाइट, वी कैन नॉट टेक द ऑयल डाइट. नुकसान होगा, फैट हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी. सो कमिंग बैक, वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड दैट वी ईट. नाउ द थिंग इज फ्रॉम वेयर वी गेट फूड. सो फूड जो हमें मिलता है, वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स, है या नहीं है? ठीक कह रहे हैं ना, हमें दोनों से मिलता है. नाउ फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट फूड, कमिंग बैक स्लोली स्लोली कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हमारा टाइटल है चैप्टर का, कि प्लांट्स को फूड कहां से मिलता है. तो ये ट्रायंगल मैंने फिर से आई एम शोइंग यू, कि आप ये देखें कि हमें यहाँ पे ब्रेड और ये सब जो है, तो वी कहां किससे बनती है? फ्रॉम व्हीट. और व्हीट कहां से है? वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, है या नहीं है? तो अब प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने को मेंटेन करने के लिए, फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट फूड. तो प्लांट्स क्या होता है, दे मैन्युफैक्चर दे ओन फूड. ये तो आपको मालूम है, डू यू नो दिस ना, दे मैन्युफैक्चर दे ओन फूड. एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ये समझ में आ रहा है या नहीं आपको? कैसे, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली? क्लियर है? जैसे ह्यूमंस क्या है, जो ह्यूमंस, दोज हु आर वेजिटेरियन, दे डायरेक्टली ईट प्लांट्स, ठीक है? बट देयर आर सम ह्यूमंस दैट आर नॉन वेज, दे लाइक टू ईट नॉन वेज. तो नॉन वेज वो कहां से लेते हैं? फ्रॉम एनिमल्स. दे ईट एनिमल्स लाइक फिश, चिकन, क्रैब. देन क्या होता है, ये एनिमल्स वेयर, फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड? दे ईट प्लांट्स, है या नहीं है? दे ईट प्लांट्स, द फूड दैट दे ईट कम फ्रॉम प्लांट. तो अब अगर एनिमल्स, ह्यूमंस एनिमल्स खा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स.
क्योंकि अगर इन एनिमल्स को प्लांट्स खाने को नहीं मिलेंगे या प्लांट प्रोडक्ट्स खाने को नहीं मिलेंगे तो कैन दे सर्वाइव, जिंदा रह पाएंगे? नहीं ना. तो इफ दे कैन नॉट सर्वाइव, कैन ह्यूमंस कैन गेट फूड? नहीं. सो इसलिए हमने कहा दे आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. नाउ न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम फूड एंड फूड वी गेट फ्रॉम टू सोर्सेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स. देयर आर टू सोर्सेस. नाउ फॉर फूड ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ये हमने लर्न कर लिया है. नाउ हाउ डू प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड? अभी हमने ये देख लिया था कि प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, बट हाउ डू प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड? सो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स बाय यूजिंग दीज मटेरियल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. एंड ये आपको प्रोसेस मालूम है कि दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. इज दिस थिंग क्लियर? तो दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट प्लांट यूज टू प्रिपेयर देयर फूड. सो बिकॉज दिस इज अ टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन, तो एक थोड़ी सी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वी हैव फॉर्म टू ग्रुप्स, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. So these are the two new names you are learning today, autotrophs and heterotrophs. So what are autotrophs? Autotrophs क्या होते हैं कि the mode of nutrition in which organisms made food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. And तो those plants who can make their food by themselves are known as autotrophs. तो autotrophs क्या हो गए? The plants that can manufacture their food, prepare their food on their own, they are known as autotrophs. तो plants, because they can prepare their own food by themselves, they come in the category of autotrophs. Auto means self and trophs means nourishment. Heterotrophs क्या हुए? Animals and most other organisms who take in ready-made food prepared by plants are called heterotrophs. Hetero means other, means those who are dependent on others for their food are known as heterotrophs. So, जो अभी हमने देखा है उसकी एक थोड़ी सी समरी देखते हैं. कि ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी. इसलिए फूड हमें चाहिए होता है. न्यूट्रिएंट्स क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स विच आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन जो अभी हमने देखा इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और आज जो अभी हमने और चीज देखी थी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, mode of nutrition in which organisms take food from different sources, either from plants or from animals, they come in the category of heterotrophic nutrition. Autotrophs kya hai? They are green plants that can synthesize food by themselves by the process of photosynthesis. So these terms we have learned. And heterotrophs, animals and most other organisms take in ready-made food prepared by plants. They are called heterotrophs. So these were the definitions that we have seen in today's session. So what did we learn today? Today we learned different and many new
terms like autotrophs, heterotrophs, nutrition. So the all these things we have learned. And we have also learned that plants can prepare their food by themselves. Lekin wo kaise banate hain, we are going to learn in the coming sessions. So abhi aapke samne bahut new terms aa gaye. Better have a nice revision so that you have a better understanding in the next session. So do a good revision. Till that time I come with a new session. Bye. Take care.